Good morning and a very warm welcome to all of you watching. I am Rashid Andrabi, a volunteer at Directorate of Information and Public Relations. एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने अपने बुजुर्गों की विरासत को नए दौर के अंदाज से कुछ यूं ढाला कि आज के दौर में उनके अनगिनत चाहने वाले हैं. आज हमारे साथ जुड़े हैं संतूर की तार और अपने अनोखे अंदाज के लिए पहचाने जाने वाले कश्मीर के मशहूर और मारूफ आर्टिस्ट अभय रुस्तम सोपोरी. अभय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए. Thank you so much, Rashid. It's a pleasure to be on this chat show. मैं आपको और पूरे डिपार्टमेंट को कंग्रेचुलेट करता हूँ इस इनिशिएटिव के लिए जो लिया गया है. हमारा यूथ, हमारे जम्मू कश्मीर का जो यूथ है, उनसे जुड़ने का, उनसे बात करने का ये एक बहुत ब्यूटीफुल मीडियम, एक इनिशिएटिव है. तो मैं आप सभी को इसके लिए बहुत बहुत मुबारक. शुक्रिया सर. अभय सर, आपका नाम आपकी पहचान के लिए काफ़ी है, आपको आपके नाम से सब जानते हैं, लेकिन सबसे पहले हम ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि आपके नाम में रुस्तम कहाँ से और कैसे आया? मेरा पूरा नाम अभय रुस्तम सोपोरी है, लेकिन एक्चुअल नाम जो मेरा है वो रुस्तम ही रहा है. अभय एक मच लेटर ऐड हुआ था, और मेरे कश्मीर से जो लोग मुझे जानते हैं तो वो मुझे आज भी रुस्तम करके ही बुलाते हैं. मेरे बड़े ब्रदर, उनका नाम सोहराब है, तो रुस्तम सोहराब जो एक एपिक है उसके ऊपर बेस्ड है हमारे नाम. नाम रखने के जो मैं आपसे कहूँ कि पहला जो मकसद मेरे पेरेंट्स का था वो ये था कि हम अपने नाम से ही एक जो कंपोजिट कल्चर है कश्मीर का वो रिफ्लेक्ट हो. बिल्कुल बिल्कुल. तो मेरे नाम से कभी मेरे रिलीजन का पता नहीं लगता है, और ये एक ऐसी चीज़ थी जो मेरी डेवलपमेंट का हिस्सा रहा है. तो अभय जी, वैसे तो आजकल सोशल मीडिया पे सभी चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं, सर्च इंजन्स पे, कोई ऐसी चीज़ आप हमसे शेयर करना चाहेंगे जो अब तक आपने अपनी पब्लिक लाइफ में ना रखी हो? मुझे लगता है हम लोगों की सारी चीज़ें लोगों को पता ही होती हैं. वो उनका प्यार है कि उनको हमारे बारे में पता है, नहीं तो किसी को क्या पड़ी है किसी के बारे में जानने की. तो उनको पता ही है, लेकिन कोई ऐसी चीज़ जो उनको ना पता हो, आई थिंक सब कुछ ही पता है. मुझे गुस्सा आता है, मैं बहुत शांत हूँ, लेकिन जब कुछ गलत होता है तो मुझे बहुत गुस्सा आता है. शायद ये लोगों को बहुत कम पता है, क्योंकि उन्होंने मुझे हमेशा इतना कूल देखा है. जी बिल्कुल. लेकिन गलत बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं, चाहे वो किसी के साथ भी हो रहा हो, और उस पर मुझे बहुत गुस्सा आता है. हाँ, गुस्सा मुझे कंट्रोल करना चाहिए, काम तो मैं करता हूँ जो मुझे उस चीज़ के लिए करना चाहिए, लेकिन मैं बचपन से ही ऐसा हूँ, गलत नहीं बर्दाश्त कर सकता मैं. ये हमारे लिए काफ़ी नया था जो हमें कहीं नहीं सुनने को मिला था. तो हर किसी की स्कूल लाइफ में डिफरेंट टाइप के फेजेस होते हैं, कुछ बच्चे बैक बेंचर्स होते हैं, कुछ आगे बैठने वाले होते हैं, डिसिप्लिन बच्चे. आपकी स्कूल लाइफ कैसी थी अभय जी? क्या आप वो डिसिप्लिन आगे बैठने वाले बच्चों में से थे, क्या आप एक बैक बेंचर थे? वो पापा मम्मी की वजह से वो हमेशा टीचर्स की मैं आइज में रहता था, तो वो मुझे आगे ही बिठा देते थे, लेकिन कभी कभी मैं पीछे बैठना भी पसंद करता था. लेकिन मैं ऑलराउंडर रहा हूँ विद द ग्रेस ऑफ गॉड, तो मैं क्लास में कम और फील्ड में ज़्यादा होता था. इवन कश्मीर में भी जब हम थे तो मुझे खेलना वगैरह बहुत पसंद था, और म्यूज़िक अपनी जगह चलता रहता था. लेकिन मैं एट वन स्टेज तो मैंने ये भी डिसाइड किया था कि मैं अपना कैरियर है स्पोर्ट्स ही ना ले लूँ, लेकिन मैंने स्पोर्ट भी ऐसा लिया था जिसकी उस टाइम पे जिसने आप कहें कि स्कोप, इंटरेस्ट और स्कोप बड़ा कम था, हॉकी. ओ, लेकिन मैं नेशनल लेवल प्लेयर रहा हूँ हॉकी का. ये दूसरी चीज हमें पता चली है आपके बारे में. और मैं हमेशा फील्ड पे होता था, और मेरा ये था कि मुझे खेलना है. दैट डजंट मीन कि पढ़ाई नहीं करनी. और यही मैं हमारे यूथ से भी हमेशा कहता हूँ कि आपको लाइफ में करना वही चाहिए जिसमें आपका इंटरेस्ट हो.
क्योंकि अब वो माहौल हमारी कंट्री में भी बदल गया कि सिर्फ इंजीनियरिंग साइंस और मतलब इसी में इंसान अपनी लाइफ आगे बढ़ा सकता है. बहुत रास्ते खुल गए हैं, इंटरनेशनल स्कोप खुल गया है. तो लेकिन जिस वक्त मुझे लगा नहीं, मुझे अपने म्यूज़िक पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, तो चीज़ें थोड़ी टर्न हो गई. तो अभय जी, क्या म्यूजिशियन, जो आप काफ़ी सुलझे हुए म्यूजिशियन हैं आज के वक्त में, क्या म्यूजिशियन बनना आपके बचपन का ख्वाब था और यू जस्ट कैरीड फॉरवर्ड योर जनरेशनल प्रोफेशन? व्हाट वाज स्टोरी बिहाइंड? आई वुड से तीन चीज़ें हैं जिन्होंने मुझे म्यूजिक एज प्रोफेशन लेने में जिसे आप कहें कि ढाला पूरा. पहला था सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स माई लेगेसी. हमारी 300 साल की लेगेसी है. मेरे फादर, सब लोग जानते हैं, पंडित भजन सोपोरी जी, मेरे ग्रैंडफादर पंडित शंभुनाथ सोपोरी जी, बिल्कुल उनका इतना कंट्रीब्यूशन. और उससे भी पहले पंडित समसारचंद सोपोरी जी, पंडित शंकर पंडित जी, और पीछे भी पंडित सूरज पंडित जी वगैरह सब लोग. तो 300 साल की हमारी ये विरासत है. संतूर का एक वाहिद घराना है इस कंट्री का. तो वो लेगेसी के टूवर्ड्स जो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो मुझे थी बचपन से. लेकिन ये था कि हो सकता है मैं कुछ और भी करूं, क्योंकि मैं मैनेजमेंट स्टूडेंट रहा हूं. तो था कि अच्छा, मैनेजमेंट कर लूंगा और साथ में ये भी कर लूंगा. वो स्पोर्ट्स तो साथ साथ एक और मेरा चल ही रहा था. दूसरा था लोगों की एक्सपेक्टेशंस मुझसे. और मुझे याद है, इवन एज अ स्कूल गोइंग किड, मैं जब लोगों से मिलता था कश्मीर से आने के बाद, 90 के बाद, तो वहाँ के म्यूजिशियंस कश्मीर से, जम्मू से, उस टाइम पे लद्दाख से भी जब मुझे म्यूजिशियंस मिलते थे, कंट्री के अलग अलग एरियाज से भी, कभी पापा के साथ ट्रैवल कर रहा हूँ, मध्य प्रदेश हुआ, अलग अलग जगहें हुए, यूपी हुआ, ख़ास तौर पर कश्मीर की भी बात करूँ तो, और लोग भी, म्यूजिशियंस भी और सुनने वाले भी, कि यहाँ के लिए काम करना है और म्यूजिशियंस का हमारे लिए काम करना है, हमारे लिए भी कुछ करना है. क्योंकि उन्होंने वो चीज़ दादाजी को करते हुए देखा, पापा को करते हुए देखा, तो वो चीज़ मुझसे भी एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो बहुत बड़ी ब्लेसिंग है मुझे लगता है ऊपर वाले के मेरे लिए. तो उन एक्सपेक्टेशंस को मैं लूज नहीं कर सकता था. और सबसे बड़ी बात जो इन सब के ऊपर आती है, वो था मेरा इंटरेस्ट. क्योंकि अगर लोग एक्सपेक्ट करें और सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी पे हो लेकिन इंटरेस्ट ना हो, तो आप लैंड अप करेंगे एक ऐसे फील्ड में जिसको आप जस्टिस नहीं कर पाएंगे. बिल्कुल. और जब तक आप अपने फील्ड के साथ जस्टिस नहीं कर सकते, आप कंट्रीब्यूट उस लेवल का नहीं कर पाएंगे अपने कंट्री के लिए, अपनी स्टेट के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए और अपने लिए भी. आप कुछ कंट्रीब्यूट ही नहीं कर पाएंगे. तो मुझे ये लगता है, वी एज ह्यूमन बीइंग्स अपने लिए, ये हमारी फैमिली का फलसफा है कि हम अपने लिए नहीं जीते, हम सोसाइटी के लिए, कंट्री के लिए जीते हैं. यही सोपोरी परिवार ने, सब ने किया है. थैंकफुली ऊपर वाले ने ये थॉट मुझ में भी डाल दिया और मैं कर पाता हूँ. ये ऊपर वाले की दूसरी ब्लेसिंग है, मेरे फादर की ब्लेसिंग है, कि अगर मैं सोचता हूँ तो वो रास्ते भी क्रिएट कर पाता हूँ कि मैं कुछ कर सकूँ. तो ये सब मिला जुला के मैं म्यूजिक में हूँ. बहुत बहुत अच्छा लगा हमें आपकी इस इंटरेस्ट के बारे में जानते हुए. अभय जी, आपको एक अरसा हो गया परफॉर्म करते हुए, काफ़ी वक्त हो गया, आपने डिफरेंट स्टेज पे, लोकल, नेशनल, इंटरनेशनल, हर स्टेज पे परफॉर्म किया है. आपकी लाइफ का सबसे चैलेंजिंग परफॉर्मेंस कौन सा रहा और आपने कैसे टैकल किया उस परफॉर्मेंस को? इसमें मैं पहले ये जोड़ना चाहूँगा कि जैसे मुझे पता लगा ये आपका पहला इंटरव्यू है, तो मैं आपको कंग्रेचुलेट करता हूँ. थैंक यू. मेरा भी जो पहला कॉन्सर्ट था वो मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था. और आप बिलीव नहीं करेंगे इस चीज़ को, कि स्टेज पे जब मैं चढ़ा तो पापा ने राग वही रखी, बाकी सब चेंज कर दिया. और वो एक ऐसी चीज़ मेरे सामने आई कि मैं स्टेज पे बैठा हूँ, जो कंपोजिशन बजानी है, जिस ताल में बजानी है, वो भी बदल गया, उसका फॉर्मेट बदल गया और मैं ज़्यादा बजा नहीं पाया. तो रोया भी और घर आया तो मैंने पापा से बोला भी कि पापा, आपने तो बोला कुछ और बजाया कुछ,
तो पापा ने सिंपली क्रूड वर्ड्स में मुझे बोला, फिर स्टेज पे क्यों चढ़े? और अगर स्टेज पे चढ़ना है तो तैयार होकर चढ़ना है, क्योंकि स्टेज पे मैं ये नहीं देखूंगा कि तुम मेरे बेटे हो, वहां तुम एक आर्टिस्ट हो, तैयार होके आओ। तो मुझे पापा का इतना थ्रेट था ऑन स्टेज कि मुझे कभी स्टेज थ्रेट हुआ ही नहीं। अभय जी, कश्मीर पे हम बात करें तो आपके नजरिए से फ्यूचर ऑफ म्यूजिक इन कश्मीर कैसा है? डू यू थिंक देयर इज एन अनसर्टेनिटी इन द फ्यूचर ऑफ म्यूजिक इन कश्मीर, स्पेशली द संतूर? फ्यूचर वैसे तो अच्छा है, फॉर्चुनेटली कुछ चीजें सामने रिसेंट ईयर्स में अच्छी बन रही हैं। से फॉर एग्जांपल ये प्रोग्राम जी, अब ये अपने आप में एक यूथ के लिए बहुत अच्छा है कि उनको अपनी ही जनरेशन की थोड़ा एक आध साल ऊपर नीचे, 10 साल नीचे एक फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम एक एज ग्रुप के हैं तो आपस में एक बातचीत हो रही है, एक दूसरे को सुनने को मिल रहा है, लाइफ के स्ट्रगल को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। ऐसा नहीं है सब कुछ बहुत इजीली लाइफ में आता है, तो इन चीज़ों को लेके म्यूजिशियन कैसे डेवलप हो, म्यूजिशियन कैसे आगे बढ़े, वो भी एक चीज़ है। चैलेंजेस हैं क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हम एक ऐसे दौर से गुजरे जिसमें कि कल्चर बहुत हिट हुआ और आर्ट एंड आर्टिस्ट दोनों को ही सफ़र करना पड़ा। इसमें कल्चरल पॉलिसी का भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर बीच में आता है कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग पॉलिसी होनी चाहिए। और संतूर की बात की जाए तो संतूर भी एक ऐसे फेज में है जिसमें काम बहुत करना है, लेकिन फॉर्चुनेटली पापा बहुत कुछ करके गए हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में उन्होंने बहुत एफर्ट्स करके यहाँ पे संतूर एज ए सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करवाया, तो ग्रेजुएट स्टडी भी है, मास्टर स्टडी भी है, और इस वक्त बच्चे जो पहला बैच इस कंट्री का, जो हिस्ट्री में पहली बार इंडियन क्लासिकल संतूर का बैच PhD करके निकलेगा, इस वक्त वो चल रहा है। तो लेकिन इस बात को फैलना बहुत ज़रूरी है कि बच्चों के लिए यहाँ पे संतूर में सीट्स अवेलेबल हैं। कश्मीर में भी संतूर एज अ सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हुआ है, जो पापा ने करवाया था वहाँ पे, अभी ग्रेजुएट लेवल पे ही है वो, लेकिन वहाँ पे बहुत काम करना अभी बाकी है। उसमें स्कोप बहुत है इम्प्रूवमेंट की, बहुत ज़्यादा स्कोप है इम्प्रूवमेंट की। मैं ऑलरेडी वहाँ पे बात कर चुका हूँ, तो आने वाले टाइम में वी विल वर्क ऑन दैट एज वेल। लेकिन म्यूजिशियंस के लिए सबसे जो म्यूजिशियन को बनाता है ना, वो है चैलेंज। म्यूजिक में इतना कुछ करना है, इतनी सारी चीज़ें हैं, इतना स्टडी करना है। और आज की मैं बात करूं तो इस पूरे घराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर आई है, जो मेरे फादर ने अब मुझे दे दी है उनके जाने के बाद। तो इतना कुछ करना है कि मुझे लगता है जो भी है अब मेरा प्रोफेशन ही है, उसी में करना है, क्योंकि लोगों के लिए करना है। अगर मैं अपने लिए कर रहा होता तब तो मेरे पास फुर्सत थी, लेकिन मैं फील करता हूँ कि अकेले नहीं कारवां बनता, उसमें लोगों का जुड़ाव होना, जुड़ना बहुत ज़रूरी होता है। तो लोगों के साथ चलना, उनको इकट्ठा करना, उनको साथ में लेके चलना, वो इतना ज़रूरी है। आई एम ग्लैड कि मेरी हॉबी ही मेरा प्रोफेशन है। तो इसीलिए मैं खुश रहता हूँ अपने वर्क से। जैसे आपने बोला आप हॉकी भी खेलते थे, आप काफ़ी अच्छा स्केच भी करते हैं, तो आप काफ़ी क्रिएटिव आर्टिस्ट हैं। तो आज के दौर में अगर आप एक म्यूजिशियन ना होते तो क्या होते? व्हाट वाज द सेकंड ऑप्शन और सेकंड चॉइस फॉर यू टू चूज एज ए करियर? मैं आज अगर पीछे मुड़ के देखूं तो मुझे नहीं लगता कि मैं म्यूजिशियन के अलावा और कुछ हो सकता था। क्योंकि जैसा मैंने आपसे कहा कि स्पोर्ट्स में, और मेरे फादर ने मुझे कभी नहीं रोका कि नहीं नहीं तुम्हारी लेगेसी है, तुम्हें म्यूजिशियन बनना है। इनफैक्ट उनका तो ये था कि जो मर्जी है करो, हमारे यहाँ लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताऊं कि आप सीखना एस्केप नहीं कर सकते, सीखना तो आपको पड़ेगा, लेकिन आपको प्रोफेशन क्या लेना है वो हर इंडिविजुअल को चॉइस दे दी जाती है। तो ये मेरा चॉइस था। आज पीछे मुड़ के देखता हूँ, मोर देन 2 decades पीछे, जब मैंने डिसाइड किया नहीं मुझे म्यूजिक ही प्रोफेशन लेना है, mid-90s में मैंने बजाना शुरू किया था ऑन स्टेज संतूर। सितार तो पहले भी मैं बजाता था,
और गाता भी था. मुझे लगता है मैं शायद 9-10 साल का था जब मैंने जेके एकेडमी का स्टेट कंपटीशन भी जीता था वोकल में. तो वोकल, सितार, संतूर, तो ये तो हमारे फैमिली सिस्टम का परंपरा का लेगेसी का हिस्सा है. आई थिंक आई वॉज बॉर्न टू बी अ म्यूजिशियन ओनली. मैं और कुछ सोच नहीं सकता मैं क्या था. वी ऑल शुड थैंक गॉड फॉर दैट. यू आर करंटली अ ब्रिलियंट एंड सक्सेसफुल म्यूजिशियन. सो कश्मीर से बेसिकली बिलोंग करते हैं आपकी फैमिली, जो आप जो है कश्मीर से बिलोंग करते हैं. तो जम्मू एंड कश्मीर के बारे में आपको ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो काफ़ी पसंद हैं, कुछ पसंदीदा चीज़ें जम्मू एंड कश्मीर के बारे में, एनी थिंग? हर चीज़. मेरी ये पर्सनैलिटी, मैं कई बार बोला हूँ इस चीज़ को कि अगर इस वर्ल्ड को देखने का जो मेरा एक नज़रिया है वो अगर मेरा दिल्ली में आके बड़ा रिफाइन हुआ या एक नई शक्ल उसने ली कि इस तरीके से देखा जाए, लेकिन मेरी जो सेंसिटिविटी और जो मेरी सोच है वो कश्मीर की दी हुई है. और वो जितनी खूबसूरत जगह है जम्मू कश्मीर अपने आप में हम बात करें, तो वो वहाँ के इंडिविजुअल में दिखाई देगा. और ख़ास तौर पे जो भी क्रिएटिव आर्ट के फील्ड से जुड़ जाते हैं उनमें आपको कश्मीर नज़र आएगा. एज ए कल्चरल आइकन है अभी आप कश्मीर के यूथ के लिए, इंडियन यूथ के लिए, सबके लिए. तो इनिशिएटिव्स, जो कल्चरल इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट हमारी लेती है, जैसे कि अमृत महोत्सव है, बहुत सारी इनिशिएटिव्स लेती है कल्चर के लिए, ऐसे कौन से और स्टेप्स ले सकती है गवर्नमेंट, और जो स्टेप्स गवर्नमेंट ले रही है इनसे कितना फ़ायदा आ रहा है हमारे इस म्यूज़िक इंडस्ट्री या हमारी इस कल्चरल इंडस्ट्री? देखिए, इवन अ स्मॉल स्टेप इज अ गुड स्टेप. तो जैसे इस बारी हम अपना हमारी कंट्री का एक इतना बड़ा सेलिब्रेशन मना रहे हैं, आज़ादी का अमृत महोत्सव, वो एक बहुत अच्छी पहल है गवर्नमेंट की. कुछ चीज़ें हमारे जम्मू कश्मीर में भी इस टाइम पे बहुत अच्छी हो रही हैं. आई थिंक डायरेक्टर ऑफ इंफॉर्मेशन पब्लिक रिलेशंस का कुछ जो मेरे इंट्रैक्शंस में मेरे सामने चीज़ें आई हैं, कुछ अच्छे स्टेप्स हैं जो बियॉन्ड उस डिपार्टमेंट के नॉर्मल वर्क से हैं. तो प्रोटेक्ट आवर कल्चर, तो एब्सोल्युटली वो दो कदम आगे बढ़ रहे हैं जो बेसिकली DIPR के रूल्स में नहीं लिखा है कि आपने ये करना है. तो वो जो भी सख्त हमारे पूरे DIPR के सिस्टम में ऑफिसर्स हैं, ये उनकी सोच रिफ्लेक्ट कर रही है. गवर्नमेंट ने मिशन यूथ बनाया है, वो भी एक बहुत अच्छी चीज़ है. तो ऐसे करके बहुत चीज़ें हैं. हमें कल्चरल पॉलिसी पे वर्क करना है. मैं बहुत सालों से इस पे बात कर. तो अभी सर हम आपके साथ एक छोटा मोटा रैपिड फायर सेगमेंट खेलना चाहते हैं जिसमें हम आपको कुछ छोटे मोटे सवाल पूछेंगे और हम आपकी चॉइस जानना पसंद करेंगे. तो पहला सवाल आपसे मैं पूछता हूँ, नून चाय और ज़ाफ़रानी कहवा? नून चाय. सो योर सेकंड क्वेश्चन विल बी, सर, हिंदुस्तानी और कर्नाटिक म्यूजिक? इंडियन क्लासिकल म्यूजिक. वन टाइम फेवरेट कश्मीरी सिंगर और म्यूजिशियन? ये रैपिड फायर को मैं थोड़ा सा लंबा करता हूँ. मेरे फेवरेट ऑफ कोर्स मेरे फादर हैं, लेकिन मेरे फादर साहब ने इतने म्यूजिशियंस बनाए हैं कि कोई ना कोई डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनसे जुड़ा हुआ ही है. तो दो प्रेजेंट जनरेशन के मैं नाम लेना चाहूँगा जिनका गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, वही जिलानी साहब और मुनीर अहमद मीर साहब. यू हैव टू टेल मी व्हाट्स द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू योर माइंड व्हेन आई विल यूज़ द फॉलोइंग वर्ड्स. फर्स्ट विल बी यूथ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. ट्रेमेंडस टैलेंट. ओके. कम्युनल हारमोनी. इट्स इन आवर एंटायर सिस्टम. कम्युनल हारमोनी एक्चुअली अगर आपको इस कंट्री में देखनी है तो आपको कश्मीर में ही उसका एक मिलेगा. फॉरगेट अबाउट व्हाट हैपेंड इन लास्ट कपल ऑफ फ्यू डिकेड्स एंड सो. चश्मे शाही. चश्मे का पानी. ओके. मैं जब भी जाऊंगा बॉटल लेके जाऊंगा. फेम. गॉड्स ग्रेस. थैंक यू वेरी मच फॉर दीज. बहुत बहुत शुक्रिया आपका भैजी हमारे साथ जुड़ने के लिए. आज हम आपसे इजाजत चाहते हैं. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू राशिद. थैंक यू. नमस्कार. दिस वॉज ऑल फ्रॉम टूडेज एपिसोड. थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग.